गुड मॉर्निंग भाई बहन चाचा चाची ताऊ ताई बुआ फूफी सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का नया व्लॉग नई शुरुआत के साथ। ये सुबह सुबह चल रहा है यहाँ पे टेस्ट, ये देखो ऑनलाइन टेस्ट। ओए क्या कर रहा है? टेस्ट की स्पेलिंग आती है तेरे को? आगे स्वाद लिखा। ये अभी इसके मुंह पर फ्लाइंग चप्पल आने वाली है। वो तो फ्लाइंग बीस्ट है। ड्राइव करने दिया, कब करने दिया? जब वो मर रही थी ना। तू पिकअप पोलियाना यस पिकअप अभी पोलियाना यशिनाया पोलियाना। एक बार दिखा दिखा ये क्या हुआ है गाइस? ये मम्मा का पैर इस पे रखा गया और इसके अंदर पंचर ढीले हो गए। पैर नहीं रखे गए वैसे टूट गए। ये गाइस ये ऐसे था, वाह एकदम से इधर जिंदगी बदल दे, जज्बात बदल दे। ओ भाई मारो मुझे मारो। दी हेड वेरी गुड। ये 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 देखिए ये क्या हो रहा है? ये ये एक लेंस दी हेड एक्चुअली तो चलिए किचन में घुसते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। खाने में क्या है? चलिए गाइज मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट के बाद। गाइज ये जो दो तीन दिन से मौसम हो रखा है ना, कि एक दिन तो सूरज विटामिन डी फेंकने लग रहा है, दूसरे दिन बादल पता नहीं क्या ही फेंक रहा है, कभी बरसात फेंक रहा है, कभी ठंड फेंक रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, घर के अंदर रहो, बाहर जाओगे ये विटामिन डी पूरे करने के चक्कर में तुम्हारे कुछ कोरोना वोरोना हो जाएगा। अपने घर पर रहो, हैंड वैंड सैनिटाइज करते रहो। और मेरा तो यहाँ से दिख रहा है साफ, अभी देखो अभी दिखाता हूँ गाइज। ये देखो गाइज ये इतना विटामिन डी फेंकने लग रहा है सूरज बाहर, अगर बाहर खड़े हो जाओगे ना तो सिलेंडर भर जाएगा तुम्हारा। जिस भी बंदे के अंदर विटामिन डी की कमी है ना, वो दो मिनट जाके छत के ऊपर खड़ा हो जाए, ठीक है। जिसके अंदर पानी की कमी है ना, वो थोड़ी देर वेट कर ले, क्योंकि बरसात भी हो ही जा रही है थोड़ी थोड़ी देर में। कई लड़कियां हैं जो यहाँ पे पापा की परी बनना चाह रही, जिसको उड़ना है, तो भाई वो एक काम करे, जब भी आंधी तूफान आता है अपने घर की छत पे खड़े हो जाए, ठीक है ना, और अपने परों को फैला ले ऐसे और नीचे कूद जाए, ठीक है। नाना नाना करते हुए तीन चार सेकंड के लिए तो उड़ी सकती है, उसके बाद नहीं पता भाई वो चल भी पाएगी या नहीं, लेकिन उड़ सकती है भाई। ये पापा की परी ना सीरियस ना हो, क्योंकि आप पापा की परी हो ना कि भगवान की परी, तो भाई मेरी मजाक की बात तो पे कूद वूद मत जाना कहीं भाई, तुम कहीं केस वेस करवा दो मेरे ऊपर। कोरोना से बचने के लिए ये यूज करें, ये है सैनिटाइजर लाइफ बॉय। नॉट अ सैनिटाइजर, इट्स अ सैनिटाइजर। ये देखो लाइफ बॉय लिखा, हैंड सैनिटाइजर टोटल किल 99 जर्म्स। अच्छा 99 और 1% तो बच गया। हाँ उसको उसको हमारे घर की मम्मी से मिलवा दो, ऐसी ठुकाई करेंगी, ऐसी ठुकाई दे जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते ना, ले हाथ में लिया बेलन दे फटाफट दे फटाफट। एक ही ऊपर से लॉकडाउन, ना तो कुछ बाहर मिल रहा है, मेरे को ब्रेड लेके आनी थी ना तो मेरे को ब्रेड मिल रही है, ठीक है, ना तो कोई रेसिपी बन पा रही है। वो ही सुबह उठो, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, दूध पियो और सो जाओ, फिर दिन में उठ जाओ, फिर दिन में उठ के नाश्ता करो, फिर नहीं उसको नाश्ता नहीं बोलते हैं, उसको लंच बोलते हैं, तो लंच करो, लंच करके फिर सो जाओ, ठीक है। और पूरे दिन ऐसी टप 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 लगी पड़ी है, ठीक है, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करा जाए। ये भी कल देखो मैंने अपना मुंह का मुंडन करवा लिया, ये छोटे छोटे करवा लिया मैंने, ये दिस इज गाइस स्टाइल। ये देखो आपने गौर किया होगा यहाँ पर एक छोटी है और इधर थोड़ी सी बड़ी है, तो भाई ऐसी होती है अगर खुद करूंगा तो। इधर गायब कर लो इधर, तो वो मेरे को डिजाइन बन जाए, मेरे को करनी नहीं आई ना, तो मैंने ऐसे इधर से थोड़ा ज्यादा हो गया इधर। अब की बार जब बड़े ना ट्रिम लगा के धीरे धीरे लोग छपवा दे रहे यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो डी लिखवा लेता हूँ, यहाँ पे बी लिखवा लेता हूँ और यहाँ पे वी लिखवा लेता हूँ, है ना, धी धीरू वीरू और ब्लॉग्स। अगर कोई सब्सक्राइबर ऐसा है ना जो बंदा मुझे ट्रिमर चलाना सिखा सके, तो भाई वो कमेंट करके ज़रूर बताए, क्योंकि भाई मेरे को 2 साल हो गए ट्रिमर लिए, लेकिन मेरे को चलाना वो अभी तक नहीं आया है।
तो भाई प्लीज़ मेरे को, अगर किसी को आता है ट्रिमर चलाना तो वो ट्रिमर चलाना सिखाए मेरे को, क्योंकि भाई मेरे को रियली में ट्रिमर चलाना नहीं आता। हाँ भैया ऐसे कर सकता है कैसे? गाइस इन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा उसमें हमारी फाइट हो। पता है हरामी हो बेटा, जिंदगी बदल दिए, दस बात बदल दिए। ओ भाई इनके मारो, इनके मारो। देख ये फिर ये क्या है, ये फिर से तूने हटा दिया से। मेरी चप्पल उल्टी, अब तो तू पीटेगा। आजो टच करके दिखाओ। अभी ये पता है क्या है, क्या है ये बता? आपके जैसे लोगों को मारने। और ये बर्तन यहाँ पे रख दिया खाके, है ना? ये मैंने रखा है, ये मैंने रखा है। लेकिन ये बेड के ऊपर क्या कर रहा है? सो बैठा है। हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, जान लो। आप तू मुझे आपकी शक्ल बिल्कुल पसंद तो मत कर, तेरे को कौन कह रहा है पसंद करने के लिए? तू निकल यार, चल चल देख, चल पहली फुर्सत को निकल। भगवान कॉफी पीनी है? बनाना है? बनाना। मैं क्यों, तू ही बना फिर। उसमें एक चीज और डाल देना। क्या? क्या डाल दूं? पुदीना। कॉफी में पुदीना डलता है। ले पुदीना। मजा आया। लोग कॉफी बनाते हैं, आपने चाय बना दी। हाँ मैं अब चाय बना। अच्छा आप यूनिक करना चाहते हो? मेरा मेरा मूड चेंज हो गया। मेरा यूनिक करना चाहते हो? यूनिक नहीं है, मेरा मूड चेंज हो गया। तो यो इसके अंदर डली चाय पत्ती, शुगर, कैसे पागल हो गए इन्होंने चाय। पर अभी पता है क्या हुआ गाइस? अभी भैया ने ना चाय मार से डालने लग रहे। ये चाय में बोन भी डाल सकते हैं? डाल के देख लो नया एक्सपेरिमेंट। और ये डालते हैं चाय में? अदरक। अदरक थोड़ी डाल दिया, लहसुन डलता है। गाइस अगर आपको चाय बनानी आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कद्दूकस के लहसुन डाल दो। कद्दूकस? हां लहसुन डाल दो। कद्दू मत डाल देना, फिर कद्दू बन गया। गाइस जब हमने व्हाइट कलर डाल रखा सोडा में, ये सोडा के अंदर हमने व्हाइट कलर जी, व्हाट द फक। अब गाइस इधर, गाइस ये चाय बनानी तो दूर की बात, ये देखना क्या कर रहे हैं गाइस। पूरे खानदान की बना हो गए चाय। लेकिन क्या कर रहा था मन्नू बता दे। फोन चला रहा था। ईप तो हाथ लगा दिए। ऐसा मम्मी ने द्वार में बिठा कर जाकर सीधा राम ज्यादा। जब आप फोन पे बात कर रहे थे जब क्या कर रहा था मैं? मेरे को क्या पता क्या कर रहा था? यहाँ बैठ के मैं वो कर रहा था। क्या कर रहा था? आपको सुन गया ना, मैं बैठ रही हूँ। 15 मिनट्स लेटर। ये मेरे भैया बड़े टैलेंटेड है, ये मेरी घड़ी को ठीक करते हुए। एक सेल चेंज करने के लिए मैंने पूरी घड़ी की अंचर पंचर देख ले। आई एम द स्टूडेंट ऑफ अ मेडिकल एंड आई एम डूइंग द इंजीनियरिंग वर्क। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। गाइस कभी भी मेडिकल के स्टूडेंट को घड़ी ठीक करने के लिए मत देना, वो उस घड़ी के अंचर पंचर करके दे देगा। देखो मैंने धीरू को बोला कि है ना मेरी घड़ी में को ठीक कर दो, उन्होंने क्या किया? कोई बात नहीं, डाल तो दिया पर काम उल्टा करके छोड़ दिया। वो काम ये है कि घड़ी का जो ये अंदर की लेंथ वो होती है ना स्क्रीन, उसे उल्टा लगा दिया और ये देखो गाइस बटन तो अंदर ही घुसा दिए। तो इसलिए भलाई आपकी इसी में है, कभी मेडिकल के स्टूडेंट को घड़ी ठीक करने के लिए मत देना। इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग एंड।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी कुछ गलती आपको दिखती है उसको नज़रअंदाज ना करे, कमेंट में आके बताए कि हमने क्या गलती करी है, और ऐसे ही देखते ओह माय गॉड।